वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में और इसकी वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कंजेनिटल रूबेला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि अगर इन्फेंट को ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ या फिर ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड अगर उसको इन्फेक्शन हो जाती है मदर से ड्यू टू दी वर्टिकल ट्रांसमिशन वाया द प्लेसेंटा, तो हम उसे कंजेनिटल रूबेला बोलते हैं। किसी न्यू बॉर्न इन्फेंट को कंजेनिटल रूबेला हुआ है, इसका पता हम उसके सीरोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड सैंपल टेस्ट से करवा सकते हैं कि अगर उसके IgM रूबेला एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर जो है कंजेनिटल रूबेला है। IgM जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मदर की तो क्रॉस करके नहीं आ सकती, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ एक IgG एंटीबॉडीज़ ही ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, दूसरी कोई भी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हैं प्लेसेंटल बैरियर को। तो IgM एंटीबॉडीज़ बच्चे ने खुद ने बनाई होती हैं टू इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, तो इसीलिए ये पॉजिटिव आए तो इसका मतलब बच्चे को रूबेला था। उसके बाद क्या होता है, जो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgG एंटीबॉडीज़ क्रॉस कर पाती हैं मदर टू चाइल्ड, तो इसीलिए ये 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि इनका लाइफ टाइम इतना ही होता है, 6 महीने तक ये ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे के अंदर IgG एंटीबॉडीज़ फॉर द रूबेला पॉजिटिव रहती हैं तो दैट मीन्स कि बच्चे को रूबेला अभी भी चल रहा है। बच्चे के अंदर अगर ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड रूबेला हो जाता है तो वो उसके पैदा होने के बाद भी लंबा टाइम तक चल सकता है। और अगर हम सोचें कि उसके वायरस को हमने देखना है कि कल्चर करके, तो उसके लिए हम उसके बच्चे के फेरेंजियल सेक्रीशंस, उसके और कोई मल्टीपल ऑर्गन्स के सेक्रीशन, CSF को, उसके यूरिन को, रेक्टल स्वैब वगैरह से हम सेल कल्चर करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कंजेनिटल रूबेला है। इसके साथ ही जो होता है बच्चे के अंदर जो वायरल एक्सक्रीशन है वो 1 से 1.5 महीने 1.5 साल तक चल सकता है, 12 से 18 महीने तक चल सकता है, और धीरे धीरे ये एज के साथ डिक्रीज हो जाता है। रूबेला इन्फेक्शन जो है ये सेल डिवीज़न को प्रिवेंट करती है, सेल डिवीज़न को प्रिवेंट करती है। ये काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट साइन है कि ये सेल डिवीज़न को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं टेरिटोजेनिक रूबेला जो है, टेरिटोजेनिक है। ये जो 3 लेयर्स हैं जो हमारी बॉडीज़ की, इनको इफेक्ट करता है और इस जिसकी वजह से कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो सकती है, बच्चे का लो बर्थ वेट हो सकता है। और उसके अलावा बच्चे के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के अंदर कौन सी कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी जो है रूबेला की वजह से हो सकती है, तो वो आ जाएगा डेफनेस है, कार्डिक माल फॉर्मेशन, हार्ट डिजीजेस और कैटारेक्ट। डेफनेस, कार्डिक माल फॉर्मेशन और कैटारेक्ट होता है। कार्डिक मालफॉर्मेशन के अंदर PDA हो सकता है, पेस्टेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जिसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो एओर्टा है और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, तो इसके बीच का जो वेल्व है वो बना रहता है। नॉर्मली ये वेल्व बंद हो जाता है जब बच्चे का बर्थ होता है, तो लेकिन ये कनेक्शन बना रहता है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता रहता है और बच्चे को जो है इम्प्रॉपर सप्लाई मिलती है। और इसके बाद क्या है, इसके अलावा और कौन कौन से जो हैं मैनिफेस्टेशंस हो सकती है बच्चे के अंदर, ग्लूकोमा हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, माइक्रोसेफले, सेरेब्रल पाल्सी, इंट्रा यूट्रेन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रूबेला की वजह से इंट्रा यूट्रेन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली हो सकता है, मोटर रिटार्डेशन हो सकता है। तो ये जो हैं सिम्टम्स जो हैं बच्चे के अंदर पाए जाते हैं अगर उसको कंजेनिटल रूबेला हुआ। कंजेनिटल रूबेला एक क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है अगर वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो जाए, वैसे वो एक एक्यूट इन्फेक्शन है। और बच्चे में हमने पहले भी बोला है कि काफ़ी लंबा टाइम तक ये चलता रहता है बच्चे के अंदर। अब है कि कंजेनिटल रूबेला अगर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए, पहले 3 महीने में हो जाए, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं बच्चे के अंदर। पहले 3 महीने में अगर बच्चे के अंदर कंजेनिटल रूबेला की इन्फेक्शन हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी के केसेस होते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो है बच्चे की इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और इसके अंदर स्टिल बॉर्न हो सकता है,
या फिर बच्चे को सीरियस इन्फेक्शन हो सकती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इसके बाद क्या है, इन्फेंट के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेंट के अंदर जो है मल्टीपल डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, कैटरेक्ट और डेफनेस हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन बच्चे को सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है तो इसकी वजह से क्या है, डेफनेस हो जाती है बच्चे को। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ डेफनेस होता है, बट दोज इन्फेक्टेड आफ्टर द 16 वीक्स, इसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे को ज़्यादा मेजर अबनॉर्मेलिटीज़ नहीं आती हैं बच्चे के अंदर। मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सेकेंड वाले में सिर्फ डेफनेस के चांसेस होते हैं, थर्ड वाले में कुछ मेजर जो आप कह लें कि मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं रूबेला की। अब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो इसके लिए हम इंजेक्शन लगाया जाता है जो रूबेला का वैक्सीन है। रूबेला के वायरस को सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था इन 1962, बाद में इसके लिए R8273 वैक्सीन बनाया गया था जो कि बनाया गया है ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के साथ। ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स का यूज़ किया जाता है रूबेला वायरस के वैक्सीन को बनाने के लिए। इसके अंदर ये जो वैक्सीनेशन था R8273, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वैक्सीन साबित हुआ क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं और इम्यूनिटी मिलती है। इसके बाद इसकी अगर डोज़ की बात करें तो 0.5 ml ही सिंगल डोज में लगाया जाता है। और इस सबसे इसका जो है मोस्टली जो 95% है इसका जो एक्शन दिखाई देता है कि 95% केसेस के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और इसमें जो है बच्चों को जो कि 12 साल की कम की एज के हैं या 1 साल के हैं उनको एक डोज दिया जाना ज़रूरी है, लेकिन आजकल जो है इसको MMR के साथ ही अटैच कर दिया जाता है जो कि 9th मंथ में लगाया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन सा इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसे कि पोलियो का हो गया, चिकन पॉक्स का हो गया, रूबेला को हो गया, कोई भी लाइव वायरस एटीन्यूएटेड वायरस इंजेक्शन जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं लगाया जा सकता। अगर इंजेक्शन लगा दिया जाएगा ऐसा तो उसके उसमें क्या है, बच्चे को रूबेला के सिम्टम्स आ जाएंगे। रूबेला को MMR में भी लगाया जाता है, रूबेला को मीजल्स एंड रूबेला के साथ भी सिर्फ दो फॉर्म में भी ही लगाया जाता है। और इसमें क्या है, वैक्सीनेशन कि अगर हम बात करें कि किसको पहले इंजेक्शन लगाना चाहिए तो चाइल्ड बीरिंग एज वाली लेडीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये हो जाता है रूबेला तो बच्चे का नुकसान हो सकता है, इसीलिए चाइल्ड बीरिंग एज वाली मदर्स को, लेडीज़ को, वूमन को किया जाता है ताकि बच्चे मदर से बच्चे के अंदर जो है ट्रांसमिशन ना हो सके। इसको हम लोग इंटरप्ट ट्रांसमिशन बोलेंगे। और इसके बाद जो है जो कि बच्चे आ जाते हैं एट द एज ऑफ 1, उनके उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये था रूबेला के बारे में और इसके वैक्सीनेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।